हमारा ग्रह पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे खास और सबसे रहस्यमय माना गया है। वैज्ञानिकों की माने तो मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा ग्रह मौजूद है, तो इस बात की संभावना है कि पृथ्वी के अलावा भी और प्लैनेट्स होंगे जहाँ पर जीवन ज़रूर मौजूद होगा। और इसी बात को खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने स्पेस शटल बनाए और उन शटल्स को स्पेस में भेजना शुरू किया, और इनकी वजह से हमारे सामने कुछ ऐसे प्लैनेट सामने आए जिनकी कंपोजिशन ने हमारे होश उड़ा दिए। और आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक चैनल के बारे में बताना चाहते हैं, और इस चैनल का नाम है स्पेस ज्ञान। दोस्तों, आप इस चैनल पर ब्लैक होल और स्पेस से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, हमने इस चैनल को फीचर किया हुआ है और आप चाहे तो आ जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए हमारे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतरिक्ष में डिस्टेंस किलोमीटर में नहीं बल्कि लाइट ईयर्स में मापा जाता है, और एक लाइट ईयर की संख्या 90,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा होती है। ट्रेस टू भी, हमने कभी भी इस धरती पर अगर सबसे काली चीज़ देखी है तो वो एक कोयला या फिर चारकोल होगा, लेकिन अगर इनको ट्रेस टू भी नामक प्लेनेट से कंपेयर किया जाए तो वे कहीं भी खड़े नज़र नहीं आते। दोस्तों, ट्रेस टू भी अब तक का खोजा गया सबसे काला ग्रह है, क्योंकि जो भी लाइट इस पर गिरती है वो सिर्फ उसका 1% रिफ्लेक्ट करता है। ये अपने स्टार के काफ़ी करीब घूमता है, जिसके कारण इस ग्रह का तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये इतना गर्म है कि हमारे धरती से ये एक तपते हुए कोयले जैसा दिखता है। GJ 121b, एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी हो और ज़मीन का कोई नामो निशान ना हो। जी हाँ दोस्तों, हमें कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा अगर हमें इस प्लैनेट पर भेज दिया जाए। ये हमारे धरती से 40 लाइट ईयर दूर है। इस ग्रह का 90% हिस्सा सिर्फ पानी है। ये हमारे धरती से 2.5 गुना बड़ा और 7 गुना भारी है, यानी कि जितना पानी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है उससे 15 गुना ज़्यादा पानी इस प्लैनेट पर मौजूद है। लेकिन इस ग्रह पर पाए जाने वाला पानी हमारे धरती के पानी से बहुत ज़्यादा अलग है। वैज्ञानिकों की माने तो इस ग्रह की गहराई में पानी बर्फ के रूप में पाया जाता है, लेकिन इस पानी का तापमान 446 डिग्री सेल्सियस होता है। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रह पर मौजूद बर्फ हॉट आइस के रूप में पाई जाती है, जिसकी हमारे धरती पे सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन अगर हम सोचें जिस ग्रह का 90% हिस्सा पानी है, और हमारे मन में सवाल आना लाजमी है कि यहाँ पर पाए जाने वाले समुद्री जानवर कितने बड़े और कितने खास होंगे। HD 189733b, 1996 में हमारे धरती पर सबसे तेज़ हवा रिकॉर्ड की गई और इसकी स्पीड 408 किलोमीटर प्रति घंटा नापी गई। लेकिन आप इस ग्रह के बारे में क्या कहेंगे जहां हर समय 8,700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है। लेकिन हमारी धरती की तरह यहां की हवा में पत्थर और मिट्टी नहीं बल्कि आग में तपता हुआ सॉलिड कांच होता है, और इन हवाओं की रफ्तार साउंड की स्पीड से 7 गुना ज़्यादा तेज़ होती है। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रह पर हर समय सॉलिड ग्लास की बरसात होती रहती है, वो भी ऊपर से नहीं बल्कि साइड से। 5 अक्टूबर 2005 में खोजा गया यह ग्रह हमारे ग्रह से 63 लाइट ईयर्स दूर है, और इसका मास जुपिटर से 13% ज़्यादा है। यहाँ पाए जाने वाले बादल सिलिकेट पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसके कारण ये दूर से देखने पर नीला दिखाई देता है। इस ग्रह पर वाटर वेपर और मीथेन की मौजूदगी है। साथ ही इस ग्रह का तापमान 700 डिग्री सेल्सियस है, और यही बात वैज्ञानिकों को हैरान करती है, क्योंकि इतने तापमान में वाटर वेपर और मीथेन गैस आपस में रिएक्ट करके कार्बन मोनोक्साइड में बदलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। शायद वहाँ पर कोई ऐसी गैस है जिसकी जानकारी हमें आज तक नहीं है। 55 CancriE, आज के समय में 1 कैरेट डायमंड की कीमत 29 लाख रुपए है, लेकिन अगर हम 55 CancriE में रहते तो शायद हर इंसान की जेब में 10 किलो से ज़्यादा डायमंड होता, लेकिन इतने सारे डायमंड्स की कीमत 10 रुपए भी नहीं होती। 2004 में डिस्कवर किया गया यह ग्रह हमारी धरती से 42 लाइट ईयर दूर है, जो कि पृथ्वी से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। इस ग्रह का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा
प्योर डायमंड से बना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये ग्रह हीरे से बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इसका एक तिहाई हिस्सा हमारे धरती के 70% हिस्से के बराबर है। वैज्ञानिकों की माने तो यह कार्बन इतनी भारी मात्रा में मौजूद है कि वो अपने सॉलिड फॉर्म यानी डायमंड के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर हमें पानी और पत्थर की जगह हर तरफ डायमंड नजर आएगा। और इस ग्रह का मास हमारी धरती से 8 गुना ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर डायमंड की मात्रा पृथ्वी पर पाए जाने वाले डायमंड की तुलना में 8 लाख गुना ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो शायद यहाँ से डायमंड लेना हमारे लिए एक सपना ही बनकर रहेगा। टाइटन दोस्तों, कतर हमारे धरती का सबसे अमीर देश है, क्योंकि इसकी धरती में बहुत ही भारी मात्रा में तेल पाया जाता है। लेकिन आप प्लैनेट टाइटन के बारे में क्या कहेंगे, जो कि हर समय तेल की वर्षा करता रहता है। टाइटन हमारी धरती से 270 लाइट ईयर दूर है। इस ग्रह की खोज एक रडार से की गई थी, जो कि इसके हिस्से को सिर्फ 20% ही स्टडी कर पाया। लेकिन इसके 20% हिस्से में ही वैज्ञानिकों को 50 से ज़्यादा तेल और लिक्विड हाइड्रोकार्बन के समुद्र दिखाई दिए। यहाँ पाए जाने वाला नेचुरल गैस और लिक्विड हाइड्रोकार्बन हमारे धरती पर पाए जाने वाले नेचुरल गैस से 100 गुना ज़्यादा है। इसके 20% हिस्से में ही वैज्ञानिकों को 13,000 करोड़ टन ऑयल मिला है। लेकिन इसके समुद्र तल की गहराई कितनी होगी, ये बात सबके लिए रोचक होगी। इस ग्रह के इतनी दूर मौजूद होने की वजह से इसका 70% हिस्सा हमसे भी अनजान है, और कोई नहीं जानता कि वहाँ पर हमें और कितना तेल मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल मौसम नॉलेज को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।